नमस्कार, मैं प्रेरणा आनंद स्वागत करती हूँ आपका लोक बात में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुँच सके। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको दुनिया में चल रही हर घटनाओं से अवगत कराएं, हर वो ज़रूरी चीज़ दिखाएं जो आप तक पहुँचनी चाहिए, जो आपको जानना ज़रूरी हो। आप देख ही रहे हैं कि कोरोना की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस समय बहुत संकट में है। कोई भी पैसे से पैसे वाला इंसान या बहुत शक्तिशाली इंसान इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो ये समय है कि आप अपने स्तर पर, आपसे जितना हो सकता है, आप सरकार को और अपने देश को सहयोग दें। आप जो भी कर सकते हैं देश के लिए अपने स्तर पर वो करें। अगर आपके घर के आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, चाहे वो चीज़ आप कुछ भी हो, अगर आपके पास अधिक है या कह सकते हैं कि आपके उपयोग से ज़्यादा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं ताकि हम ऐसे मुश्किल वक्त से जल्दी बाहर निकल सकें। साथ ही ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं हमारे देश में जो कभी कभी दिल को झिंझोर देती हैं। हमने देखा कि कैसे एक शक के बिना पे पंडित जी को मार मार कर भीड़ ने मार डाला। वो मानव जाति के ऊपर एक कलंक है। ऐसे लोग मानव कहलाने के लायक नहीं हैं। आज ऐसी घटना हुई जिसने उसके बाद ऐसा मैं कह सकती हूँ कि कोई भी नर्स या कोई भी महिला डॉक्टर कभी भी किसी मरीज पर भरोसा नहीं कर पाएगी। ये घटना है दिल्ली के LNJP अस्पताल की, जहाँ पर एक नर्स जिनका नाम आशा देवी है, उनके साथ कम से कम 10 या 20 जमातियों ने दुर्व्यवहार किया। वो व्यवहार ऐसा था जिससे अभी तक आशा देवी निकल नहीं पाई है। उनके बताए मुताबिक जब वो खाना देने गई उनको, तो जमातियों की शिकायत थी कि ये खाना अच्छा नहीं है। जब उन्होंने कहा कि यही खाना है, आप खा लीजिए, बाकी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डॉक्टर को बताइएगा, जब डॉक्टर आएंगे वो आपकी पूरी सहायता करेंगे, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने। उन्होंने आशा देवी का पीछे से बाल पकड़े और खाने में उनकी गर्दन घुसाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि आशा देवी ये खाना खाएं और बताएं कि ये खाना कैसा है। जब आशा देवी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो उन्होंने मारपीट की भी कोशिश की। उसके बाद उन्होंने जो PPE किट पहना था उसे पीछे से फाड़ दिया। ये घटना ऐसी थी कि जिसने आशा देवी के आंसुओं को निकलने पर मजबूर कर दिया। ये घटना हमें पता नहीं चल पाती अगर मौके पर एक पत्रकार वहाँ ना पहुँचता और आशा देवी उनसे ना मिलती। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक घटना ऐसी है तो दुनिया में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स जो हर दिन 24 घंटे कोरोना के मरीजों के लिए अपना सहयोग देने से पीछे नहीं हटते, उनके साथ क्या हो रहा होगा। देखिए, हम ये नहीं कहते कि हर इंसान बुरा है, हर धर्म बुरा है, लेकिन ऐसे इंसान जो इंसानियत के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे धब्बा है, वो ज़रूर गुनहगार है। वो इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है। जब देश को ज़रूरत है एकजुट होकर आपस में एक दूसरे का सहयोग करने की, तब ऐसे लोग देश का नाम खराब कर रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में वो भारत का नाम खराब कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगी, मैं अपने चैनल की तरफ से सरकार से दरख्वास्त करूँगी कि ऐसे लोगों को, जहाँ भी वो छुपे हों, चाहे वो किसी भी धर्म से रिश्ता रखते हों, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा इंसान जो धरती पर हमारे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर, हमारी नर्स के साथ ऐसा करे, तो उसको 10 बार वो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। जो लोग पूरे दिन पुलिस कर्मी हो या कोई भी एक सफाई कर्मी हो या नीचे से नीचे पायदान वाला इंसान,
अगर ऐसे वक्त में देश को अपना सहयोग दे रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। आपको ये समझना चाहिए कि हम इससे खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर एक इंसान अपने कोरोना पॉजिटिव होने की बात नहीं बताता तो वो अपने साथ अपने पूरे परिवार को खतरे में डालता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आगे आइए, अगर आपको लगता है कि आप में कोरोना के लक्षण हैं तो आप आगे आइए, अपना जांच कराइए और देश को साथ ही अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। क्योंकि जो नाम आपको आज मिल रहा है, जिस नाम से आप जाने जाते हैं, वो नाम आपको इस देश की वजह से मिल रहा है। जब तक ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन के जितने भी दिन बचे हैं उसको पूर्ण रूप से अपना सहयोग दें, अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए लोग बात, जनता की बात, जनता के साथ।